वेलकम बैक टू माय चैनल मकदूस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए ये 5 मीडियम साइज के टमाटो, इसको मैंने रफली काट लिया है, 1 मीडियम साइज का अनियन, 1 ग्रीन चिल्ली, जिंजर, गार्लिक, और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के लगभग पनीर लिया है। ये घर का बना हुआ पनीर है और ये फ्रेश क्रीम। ये मैंने 10 से 15 काजू लिए हैं, 1 तेज पत्ता, आधा लाल मिर्च। मैं तीखा अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप तीखा कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 4 लौंग, 3 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और ये बटर। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो हम ये जीरा ये सब डाल देंगे। ये बिल्कुल हल्का सा भूनना है, जब इसमें खुशबू आने लगे तो हम ये और बाकी चीज डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये सभी मिर्ची, ये प्याज, ये सब डाल देंगे। फ्लेम को लो रखिए, ये काजू भी डाल देंगे। ये मसाले भी डाल दें। फ्लेम को मीडियम रखें और इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। अब हम इसमें आधे का आधा ग्लास पानी डाल देंगे। और इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद हम इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये ठंडा हो चुका है तो हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है और इसको पीसते टाइम हमें आधे कप पानी का इस्तेमाल किया। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो हम इसमें डालेंगे बटर। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिए क्योंकि ये बटर फिर जल जाएगा। डालेंगे 1 तेज पत्ता, 1/2 चम्मच लाल मिर्च। ये अभी डालने से क्या होगा कि इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा, तो ध्यान रखें कि ये जले ना, इसको फटाफट करेंगे। ये
ये अब बन चुका है, तो अब हम ये इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रेवी जितनी आपको ठीक चाहिए उतना आप कर सकते हैं। जब इसमें एक बार बॉईल आ जाएगा तब हम इसमें पनीर को ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल आना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें पनीर को ऐड कर देंगे। मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम ऐड कर देते हैं, 2 चम्मच। इसको भी मिक्स कर लीजिए। इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये बिल्कुल रेडी है, तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर बटर मसाला बनके बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।